नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस सेशन में आप जानने वाले हैं भारतीय सेना के मिलिट्री बेसिस के बारे में, जो कि भारत में नहीं बल्कि आउटसाइड यानी कि देश के बाहर स्थित है। किसी भी देश का विदेशों में सैन्य ठिकाना होना उस देश की मिलिट्री पावर ही नहीं बल्कि उसके जियोपॉलिटिकल स्टेटस को भी बढ़ाती है और महाशक्तियों की लिस्ट में उसे काउंट किया जाता है। विदेशों में स्थित किसी भी देश का मिलिट्री बेस उसकी पावर को प्रोजेक्ट करता है, जिसका कि विदेशों में होने वाली घटनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। इस वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशों में सबसे ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं, कम से कम 38 सैन्य ठिकाने अमेरिका के। ऐसे में हम जानते हैं कि भारत के कितने सैन्य अड्डे हैं विदेशों में। तजाकिस्तान, फरखोर एयरबेस तजाकिस्तान के फरखोर शहर के पास स्थित है। ये राजधानी दुशांबे से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसे तजाकी वायुसेना के सहयोग में भारतीय वायुसेना के द्वारा संचालित किया जाता है। ये विदेश में भारत का पहला सैन्य अड्डा है। ईरान के चबहार बंदरगाह अफगानिस्तान के रास्ते फरखोर एयरबेस तक भारतीय परिवहन की पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। भूटान, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम यानी कि IMTRAT पश्चिम भूटान के हाजोंग में स्थित है। ये भूटान में भारतीय सेना का एक प्रशिक्षण मिशन है। ये रॉयल भूटान आर्मी और रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ भूटान के कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है और यहाँ पर भारतीय सेना हमेशा तैनात रहती है, जिस तरीके से आपने डोकलाम में हुए विवाद के दौरान देखा ही होगा। मेडागास्कर, हिंद महासागर में शिपिंग गतिविधियों को ट्रैक करने और समुद्री संचार पर अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए सन 2007 में उत्तरी मेडागास्कर में भारत की पहली विदेशी मैरिटाइम कम्युनिकेशन स्थापित किया गया था। मॉरिशस, भारत इस समय उत्तरी अगलेगा द्वीप पर सैन्य अड्डा बना रहा है। हिंद महासागर में स्थित द्वीप को भारत मॉरिशस सैन्य सहयोग के रूप में एक स्ट्रेटेजिक एसेट के यानी कि रणनीतिक संपत्ति के विकास के लिए भारतीय सेना को पट्टे पर दिया गया है। शेशल्स, भारत और शेशल्स ने नौसेना बेस बनाने के लिए एजप्शन आइलैंड में एक संयुक्त परियोजना के लिए एक रक्षा समझौता किया है। इसके लिए भारत ने शेशल्स को $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट और ड्रोनियर एयरक्राफ्ट भी दिए हैं। वर्तमान में भारत शेशल्स में एक तटीय निगरानी रडार प्रणाली भी रखता है। ओमान, भारत के पास रस अल हद में एक लिसनिंग पोस्ट है और मस्कट नौसेना अड्डे पर भारत को बर्थिंग का राइट भी है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए डुकुम में एक प्रतिष्ठान भी बनाया गया है। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि डुकुम ने पहले INS मुंबई के लिए एक बंदरगाह के रूप में भी कार्य किया था। ईरान, चबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्व ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है और देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। भारत ने दिसंबर 2018 में बंदरगाह के संचालन को संभाल रखा है और इसे पाकिस्तान के ग्वादर को काउंटर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां चीन की नौसेना की पहुंच हो रही है। इस तरीके से आपने जाना कि भारत के पास तकरीबन 7 मिलिट्री बेस हैं जो कि भारत से बाहर स्थित हैं, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि भारत भी एक ताकतवर देश है, क्योंकि यहां पर फौज को मेंटेन करना, नौसेना को मेंटेन करना या एयरफोर्स को मेंटेन करना, इसमें भी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ये टैक्टिकल रूप से भारत को एक महत्वपूर्ण बढ़त भी दिलाता है। यही नहीं, इसके अलावा जो आने वाले समय में भारत बांग्लादेश, मंगोलिया आदि देशों में भी अपने सैन्य अड्डे स्थापित करने की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन मिलिट्री बेसिस के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और भारत को और कहां पर अपने मिलिट्री बेस बनाने चाहिए, किस देश में बनाने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।